गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी पहुंच गए, जहां उन्होंने मोरबी में स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। मोरबी पुल हादसे में 134 लोगों की मौत को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। नवंबर के पहले दिन महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। गैस कंपनियों ने दिवाली के बाद और छठ के अगले दिन LPG सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की है। जॉस बटलर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अपने पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन को पछाड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी दशकों में भारत की आबादी के तेज गति से बढ़ने का अनुमान है। अंडमान निकोबार पुलिस के एक विशेष जांच दल ने किस वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में सोमवार को तीसरे दिन पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण से पूछताछ की। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचमहल के जंबू घोड़ा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में BJP के निर्माणाधीन दफ्तर पर निर्माण कार्य बंद करने और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। सलमान खान को अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नरेला की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में सोमवार सुबह आग लग गई। इस आग में जलकर 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आग सुबह करीब 9:35 पर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव यात्रा में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम के दर्शन किए। पंजाबी सिंगर AP ढिल्लन इस समय अस्पताल में भर्ती है। AP ढिल्लन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करके फैंस को अपनी इंजरी की दुखद खबर दी है। गुजरात में केबल ब्रिज गिरने से 134 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की धमक देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में देखने को मिली। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। गुजरात चुनाव से पहले BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है। केंद्र ने पड़ोसी देशों से आकर रह रहे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है।